श्रीमद भक्ति वेदांत श्री सिद्ध गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाल अष्टोदंत श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज श्रीमद भक्ति साष्टांग दंडवत प्रणाम रूपानुभव गुरुवंद रूपानुभव आचार्य श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद उपस्थित मुझे कुछ आदेश है ललिता सखी के बारे में उसको पालन करते हुए। तो गुरु वैष्णव के अनुगत्य में हम जिस जगह पे अभी उपस्थित हुए हैं, इस जगह का नाम है ऊंचा गांव, ललिता सखी का जन्म स्थान। तो एक ही बात बड़े अच्छे बात है ललिता सखी का, सबसे विशेष बात है जो यहाँ पे जो देह कुंड है, वो कुंड में ललिता सखी क्या करते हैं ना, ये राधा कृष्ण को मिलन करते हैं। देखो ललिता कुंड ललिता था कृष्ण रे आनी छले राधिका मिला है, कृष्ण को छल से क्या करते हैं लेके आके राधा रानी को मिलन कर देते हैं। तो एक बार क्या है ना, बड़े अच्छे कथा है कि हमने वैष्णव के मुख से श्रवण किया था कि एक बार ललिता सखी ने हर रोज कृष्ण क्या करते थे, विभिन्न प्रकार रूप बना के आके राधिका के राधा रानी से मिलते थे। तो कभी चूड़ी बेचने वाले रूप, कभी फूल बेचने वाले रूप, तो बहुत बहुत सारे रूप बना के आके राधिका राधा रानी से मिलते थे। तो एक बार ललिता सखी ने पकड़ लिया कृष्ण को, बोल रहे हैं देखो कन्हैया तुम तो हर रोज क्या करते हो ना, बहुत सारे के सारे रूप बना के आते हो, लेकिन अगर तुम्हारे दम है, तुम्हारे अगर हिम्मत है तो अपने स्वरूप में आओ, श्याम सुंदर स्वरूप में। तो कृष्ण ने बोला ऐसे नहीं आऊंगा, शर्त लगाना पड़ेगा। बोले लगा दो शर्त। तो शर्त क्या लगा ना, कृष्ण बोले अगर मैं अपने स्वरूप में कल 12 बजे तक आ गया बरसाने में श्री जी के महल पे, तो तुम्हारे जितने भी ये सखी है ना, सब हमारे दास होंगे, सखा होंगे। तो ललिता सखी ने बोला ठीक है, अगर नहीं आए तो हम तुम्हारा दास बन जाएंगे, जितने भी सखाए हम सबके सब तुम्हारा दासगिरी करेंगे। अब शर्त लग गया। अब ललिता सखी सबको सामने मीटिंग बुला के बोल रहे हैं देखो कृष्ण बड़े नटखट है, किसी ना किसी रूप में आ जाएंगे, अब क्या करना, कल एक दिन के लिए बरसाने में सारे के सारे पुरुष को भगा लो, और पूरा का पूरा बरसाना को पूरा घेर लिए सब गोपियों ने मिलके और सब सखियों ने मिलके, पूरा का पूरा रंगजी महल में एक एक द्वार द्वार पे 8-10 पूरा सखी घेरे हुए बैठे। अब इतने में सखा लोग बोले कन्हैया अब हमारा नाक कटवाने का टाइम आ गया, तुम्हारे चक्कर हमारा गया, हम अभी दास नहीं बनने चाहते थे, अब हमको दास बनना पड़ेगा। पूरा मैंने देखा, मधुमंगल सुदाम बोल रहे कि मैंने तो जाके देखा कि बरसाना में कोई एक ही पुरुष है ही नहीं, हर तरफ क्या है ना, पूरा सखी लोग पूरा छाओ पूरा घेर के रखे हैं, आज तो हमको दास का स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ बोलो बोलो बोलो, बढ़िया वक्ता है, आज तो दास स्वीकार करना ही पड़ेगा। तब इतने में मधुमंगल को कुछ आइडिया आया, तब मधुमंगल ने क्या किया, कृष्ण को बड़े अच्छे से बटुक ब्राह्मण रूप में श्रृंगार कर दिया और बोल देना कि भविष्य में क्या है तुम ना ज्योतिषी हो, तो इसी रूप में ठाकुर जी क्या किए ना, बटुक ब्राह्मण रूप में पहले चले गए बरसाना आए, और जिसको देख देते ठाकुर जी तो अंतर्जामी है, सबको देखे अरे तुम्हारा नाम ये सखी है, तुम्हारे मुख से पता चल रहा है, तुम्हारे घर यहाँ पे है, तुम्हारे जो पति है ये वाला पति का नाम है तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारा स्वभाव ये वो सखी लोग जब सुन के चौंक जाते थे, बोलते थे अरे इसको सब पता है, बोले बाबा आप कहाँ से आए हो, बोले ब्राह्मण देव आप कहाँ से आए हो, बोले मैं तो काशी से आया हूँ। भगवान झूठ नहीं बोलते हैं, भगवान हर जगह विद्यमान है, सर्व जगह पे ठाकुर जी विद्यमान है, तो मैं तो काशी से आया हूँ। अच्छा ठीक है काशी से आए हो, अच्छा मेरे हाथ देख लो, अच्छा मेरे हाथ देख लो, सब अब ठाकुर जी को हाथ दिखाने लगे, जय ठाकुर जी को सब लोग हाथ दिखाने लगे, ठाकुर जी को सब गोपी के बारे में पता है, तो ठाकुर जी ने बोल दिया अरे तुम्हारे हाथ देखने Thank you.
उसकी मन में मन सोच रही कि कहीं कन्हैया तो नहीं आ गया। सब लोग बोल रहे कि नहीं कन्हैया नहीं है, वो तो ब्राह्मण है ज्योति से। ललिता सखी ने क्या किया, जो राधा रानी के महल बरसाना में वहाँ पे सारे के सारे गोपी हो और वहाँ पे जितने भी गोपी लोग थे उनको बोल दिया खबरदार मैं जब तक नहीं आऊंगा किसी को भी अंदर मत लेना। अब इतने में क्या हुआ, ललिता सखी खुद आई। अब जहाँ ही ललिता सखी आए कृष्ण को ललिता सखी को तो पहचानते ही है। अरे आलिम रख दो उधर, आलिम रख दो उधर, रख दो ऊपर ऐसे, ये बस ठीक है। कृष्ण तो ललिता सखी को पहचान दिए, दूर से भी देख के कृष्ण ने बोल दिए, अरे अरे तुम्हारे नाम ललिता सखी है, तुम अमुक गो के घर पैदा हुए हो, तुम्हारे गांव ऊंचा गांव है, तुम्हारा पति का नाम ये है वो है, वो देख के चला, अरे सच में ये त्रिकालदर्शी होगा, मुझे देखते ही पूरा का पूरा मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। अब ललिता सखी जाके देख रहे हैं, बाबा आप कहाँ से आए हो, बोल रहे मैं काशी से आया हूँ। तो ललिता सखी मन में मन सोच रहे है इनको मैं अगर राधा रानी के पास ले चलूं, राधा रानी का ये क्या करेंगे ना, हाथ देखेंगे, और राधा रानी का हाथ देख के क्या करेंगे ना, विशेष रूप में राधा रानी का जो जो विरह देते हैं कृष्ण वो कम से कम नहीं होगा, ये पूरा का पूरा सब बता देंगे। अब इनको बोल रहे हैं ललिता सखी, আমি এখান থেকে যাচ্ছি এখন ফিরে আমি আসছি এখন, হ্যাঁ বুঝেছেন, তাহলে আমরা প্রেম সরোবর সংকেত করে আসুন, এখানে ফিরে আসবো, কি করবেন, ঠিক আছে আমি তাহলে আসি। तो उसके बाद क्या हुआ, ललिता सखी ऐसे ये कर दिया, क्या खरोच दिया। तो इसको देख के ललिता सखी बड़े गुस्से हो गए, अरे तुम खरोच रहे हो। तो कृष्ण ने बताया, अरे अरे मैं खरोच नहीं रहा हूँ, कृष्ण बोल रहे हैं ब्राह्मण रूप में, अरे मैं खरोच नहीं रहा हूँ, ये तो इतने सुंदर दिख रहे हैं, इतने सुंदर है, इतने गोरी, उनके हाथ जो रेखा है उनके हाथ का रेखा दिख नहीं रहा है, इसलिए तो मैं घुमा घुमा के देख रहा हूँ। अब इतने में फिर भी राधा रानी को पता नहीं चल रहा ये कृष्ण है, कृष्ण एक इशारा दे दिया। अब दूसरे इशारा कृष्ण ने दिया, क्या किया ना, धीरे से लेके राधा रानी हाथ को चुंबन दे दिया। अब तो ललिता सखी बड़े गुस्से हो गए, अरे अरे कैसे ब्राह्मण हो, हमारे किशोरी जी को हाथ में ऐसे उल्टा चीटा छेड़ रहे हो। अब ठाकुर जी बोले, अरे ललिता सखी तो पूरा इतना गुस्सा हो गए, वहां पे ललिता अष्टकम में है ना, बिलो हिताक्षम भाग देंगी अपने बोलने के शैली और अपने जो आग को लाल लाल करके ललिता सखी क्या करते हैं, कृष्ण को डरा देते हैं, कृष्ण को लज्जित कर देते हैं। अब कृष्ण मन ही मन डर रहे हैं, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। अब इस जो मास्क को हटाया और कृष्ण बोल रहे हैं मैं ही कृष्ण बनने वाले हैं, तुमने छल करके आ गया, मैंने बोला था अपने स्वरूप में। तो ललिता सखी को कृष्ण लीला है, और हरे कृष्णा बोले ललिता सखी की। हम लोग जहाँ पर आए हैं, सुधरा कुमार जो है, हम लोग जहाँ पर आए हैं, ये स्थान का नाम ऊंचा गांव है। ये गांव का नाम ऊंचा गांव क्यों नाम पड़ा, क्योंकि जितने सखियों में जो सर्वश्रेष्ठ सखी श्री ये ललिता सखी है, इसलिए ये चुके ये ललिता की ये क्रीड़ा भूमि है। लेकिन इनका जो जन्म स्थान है ये कमई और करेला में विशाखा और ललिता ने जन्म लिया, लेकिन ये स्थान ललिता सखी की ये क्रीड़ा भूमि है। यहीं पर आकर के सखा सखियों के साथ में कृष्णों के साथ में क्रीड़ा करती थी, यहीं पर ललिता सखी कहते। जो ललिता सखी है इनका नाम ललिता, ललिता नाम क्यों नाम पड़ा है, कहती है सखियां है कौन, बोले जो सखियां हैं, कहती है राधा, जब कृष्ण चंद्र वो जब गोलोक वृंदावन में अकेले खड़े थे, कल्प वृक्षों के नीचे सोच रहे हैं मैं लीला करूंगा, लेकिन अकेले तो लीला कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए कहते हैं सब नैव रमे नैव रमत सद्वितीय मैच्छत। तो उन्होंने दो होने के लिए जब इच्छा की, कृष्ण का वाम अंग फड़कना शुरू किया, फड़कते फड़कते एक अद्भुत दिव्य
16 श्रृंगार और द्वादश आभरण करते हुए दिव्या उनकी शक्ति प्रकट हुई। कहां से? बोले रास मंडल से। इसलिए राधा रानी का पहला अक्षर नाम पड़ गया रा। अब वो प्रकट होकर के सुंदर सुंदर पुष्पों को चयन करने के लिए धावित तो हुई। धावित तो मतलब होता है दौड़ना, इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया? राधा। राधा नाम पड़ गया। अभी एक से दो हो गए, लेकिन जैसे क्रिकेट प्लेयर में 11 लोग होते हैं ना, कितने होते हैं? इसलिए अभी तो दो तो हो गए, लेकिन दो में भी काम नहीं चलेगा। इतने में इनका नाम रा और राधा मतलब क्या? बोले कृष्णम सम आराधयति इति राधा। बोले जो कृष्ण की अनंत रूप में जो कृष्ण की सेवा करती है ये राधा। अभी देखा दो से हम कैसे कितना सेवा करे, एक हो करके। इसलिए राधा फिर अपना काय व्यूह को उन्होंने विस्तार की, एक एक भाव को उन्होंने, एक एक गोपी उन्होंने रूप धारण किया है। इसलिए ललिता मतलब होता है लालित्य, बार ये सुंदरता। इसलिए ये ललिता सखी रूप में जब ललिता विशाखा चंपक लगता तुमको विद्या चित्रा सुचित्रा रंग देवी सुदेवी, ये अनंत रूप में राधा रानी प्रकट हुई। क्यों? कृष्ण की सेवा करने के लिए। इसलिए कहते इनकी सेवा क्या है? बोले तांबुलम भक्त ललिताम। इनकी जो प्रिया प्रियतम की सेवा, ये तांबुल, तांबुल समझते कि नहीं? पान की बिड़िया, ये बड़ी सुंदर पान की बिड़िया बना करके ऐसे राधा कृष्ण को प्रिया प्रियतम खिलाती। कई पान खाए हो? खाई नहीं। इसलिए उसमें बड़े सुंदर सुंदर मीठा और मसाला देते हैं। और पान खाओ ना, पूरा चारों तरफ खुशबू खुशबू फैल जाता है। अब विशेष कर जब पान खाते, अभी तो लिपस्टिक भी लगाते हो, पहले ये लिपस्टिक नहीं होता था, पहले उसमें जो कत्था, कत्था उसमें देने पर अपने आप उनका जो होठ है वो अपने आप लाल बन जाती थी। इसलिए कहते ललिता पिताजी की माता जी का नाम, बोले शारदा माँ की नाम, पिता का नाम विशोक है। विशेष करके अगर पिताजी का गुण अगर लड़की में आए, अगर माँ की गुण अगर बेटे में आए ना, उनको सौभाग्यवान मानी जाती है। इसलिए कहते इनके जो पिताजी जो विशोक है, कहते इनके अंदर में जो विशेष गुण, बोले कौन सा गुण? बोले दयालुता, बड़ी उदारता है। इसलिए पिताजी का गुण अगर बेटी में आती है, वो बेटी को बड़े सौभाग्यवान मानी जाती है। इसलिए इनका गुण श्री ललिता को अंदर में विद्यमान, या गुण विद्यमान है। कहते हैं अगर ब्रज में जब कोई छोटी लड़की जन्म लेती है, हैं? एक होता है रुचि परीक्षा, रुचि परीक्षा में उनको सामने अलग अलग सामान को रख लेते हैं, और बच्ची जब घुटन पर चलना शुरू करता है लड़का लड़की, उसको छोड़ देते हैं। अब जिस चीज को जाकर पकड़ता है उससे पता चलता लड़का का भविष्य क्या है, लड़की का भविष्य क्या है। इसलिए रुचि परीक्षा में ये ललिता क्या करती है, राधा रानी का जो वस्त्र लेकर के उन्होंने सामने रख लेती है। अगर वो छोटी बच्ची गुठन पर चलते चलते अगर जा करके श्री किशोर जी का अगर वस्त्र को धारण कर लेती है, इनको पता चलता है ये बड़ी बन करके ना, ये हमारी गणी में हुई, ये हमारे दल में। वहां पर श्री चंद्रावली का दल भी है, वो भी चाहते हैं हमारा दल बड़ा बड़ा हो, वो भी वस्त्र रखती है। लेकिन अगर कोई छोटी बच्ची श्री किशोर जी की वस्त्र को अगर पकड़ लिया तो बचपन से ही उनको उम्र में विशेष ध्यान रखती है, ये बड़ी बन करके ये हमारी गण में, राधा जी की गण में। इसलिए श्री अभी ललिता की अष्टक गा रहे थे ना, अगर किसी को ब्रज में केवल गंध आ जाए, किस चीज की गंध? मैं राधा रानी की मैं दासी बनूंगी, केवल किसको अंदर में इतनी भावना आ जाए, बोले दुर्घट घटन कृता थे थी। इसलिए ललिता क्या करती है, उसका जो इच्छाओं को ये जरूर ये पूरी कर देती है। ये ललिता सखी राधा रानी की दासी बन जाती है। इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे हमारे जो लक्ष्य है, पहले ये लक्ष्य को पहले ठीक कर लो, उसको बाद में फिर साधन करोगे। हमारे बचपन नारायण गोस्वामी महाराज, इनका ये फिलोसफी, भले ही करोड़ों जन्म को बाद में हमें वो पद मिले, लेकिन पहले क्या करो, अपना लक्ष्य को पहले स्थिर कर दो। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते थे पहले ये लक्ष्य स्थिर करो, हम भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, श्री राधा रानी की चेरी बनना चाहते हैं, और हम किसी चीज को लेना, हम देने पर भी, और हम किसी चीज को ग्रहण करना नहीं चाहते। कहते ललिता सखी की वस्त्र का रंग कैसे है, कहते मोर पंख का इनकी वस्त्र, कहते वो कौन सा राग में गाती है, और विशेष करके इनकी वाद्य क्या है, मतलब वाद्य इनकी वीणा, बड़ी सुंदर ये वीणा बजाती है। कहते इनकी राग कौन सा राग में ये ललिता सखी गाती है, कहते कलिंगा एक राग है, ये कलिंगा राग से ये ललिता सखी बड़ी सुंदर भजन गाती है। कहते ललिता की
उन्होंने विशेष किया, इनके अंदर में एक्सपर्ट गुण क्या है, इनके अंदर में जो पुष्पों की सज्जा, पुष्प की छत्र, पुष्प की निकुंज सेवा में ये बड़ी एक्सपर्ट है, हैं एक्सपर्ट। कहते इनके भाव क्या है, पर इनका भाव, इनका जो भाव है प्रखरा, प्रखरा समझती हो, ये बड़ी तेज है। अगर राधा कृष्ण अगर कोई पासा खेल रहे हैं, अगर राधा रानी की अगर थोड़ी सी कमजोरी अगर पड़ रही ना, तो बोले ललिता एकदम बीच में खड़ी हो, ए कृष्ण चुप रहो, ज्यादा बोलना नहीं, क्योंकि राधा रानी को ये कभी भी राधा रानी को ये नीचे दिखाना नहीं चाहती है, हर समय चाहती है राधा रानी की पल्ला भारी पड़े। इसलिए इनका जो गुण है ये प्रखरा, प्रखरा समझती हो, बड़ा तेज गुण है। कहते विशेष करके इनकी जो दूसरा जो भाव है, कहते ये खंडिता, बोले खंडिता मतलब क्या है, जैसे कभी कभी राधा रानी सुंदर श्याम सुंदर के लिए कुंज बनाती है, और वहां पर श्याम सुंदर बोले इसी समय पर मैं आऊंगा, लेकिन अभी राधा रानी सुंदर उन्होंने कुंज बनाए, अगर श्याम सुंदर, श्याम सुंदर आई नहीं हो रहे लली दादी सखी, इनका काम है श्री जुगल को मिलन कराना ही इनका ये काम है। इसलिए ललिता सखी बड़ी दुखी होती है, अगर कभी अभी अभी सुंदर कथा सुन रहे थे ना, श्यामानंद को सुना रहे थे, अगर कभी जैसे कभी राधा रानी कभी मान की तो बोले किसी काले व्यक्ति को देखना नहीं चाहता हूँ, राधा रानी बड़ी दुखी होकर बैठी हुई, क्योंकि जब तक श्याम सुंदर से नहीं मिलती है तब तक इनका मन की इच्छा पूरी नहीं होती है, ललिता इनका आनंद ही जुगल को मिलन कराना, राधा रानी बड़ी दुखी होती है। इतने में राधा रानी कहती किसी काले कृष्ण किसको पास में जाते हैं परामर्श लेने के लिए, ललिता, ललिता को पास में, बोले ललिता अभी बताओ अभी मैं क्या करूं, अभी मैं क्या करूं, तब ललिता इनको परामर्श देती है, बोले देखो राधा रानी तो क्रोध की है, घुसने तो देगी नहीं, एक काम कर सकते हो, अब ये ड्रेस को बदलाओ, छोड़ो ये ड्रेस को, छोड़ करके श्यामा सखी का रूप धारण करो, करके बड़े सुंदर राग गाओ, इतने सुंदर राग गाओ जिस राग को सुन करके राधा जी की हृदय द्रवीभूत हो जाए, जब हृदय द्रवीभूत हो जाएगा फिर राधा रानी बुलाएगी तो फिर राधा जी के साथ में तुम्हारी मिलन हो सकती है। इसलिए अगर राधा कृष्ण को कौन मिलन कराती है, कौन कलान वाले मिलन है, ये ललिता सखी ही मिलन कराती है। इसलिए जो ललिता है ये प्रेम की गुरु, यही ललिता ही कहते महाप्रभु की लीला में ये कौन बनकर क्या क्या बनकर के आते हैं, अरे बोला ललिता सखी कहती है स्वरूप दामोदर बनकर के आते हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जिस समय गंभीरा में रहते हैं, ये स्वरूप दामोदर बन करके उनकी भाव को ऐसे ऐसे श्लोक ऐसे ऐसे पद्य ललिता, ललिता सखी राधा जी को सिखा देती है, बोले देखो राधे खबरदार अगर कृष्ण आकर के थोड़ी हाथ जोड़ देना फिर तुम अपना मान को बड़े जल्दी छोड़ देती हो, नहीं छोड़ना, नहीं मान नहीं छोड़नी, मान को एकदम पक्के करके रखो, क्योंकि जब तक तुम मान करके रहोगे ना तब तक श्याम सुंदर तेरे को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन जब तुम मान छोड़ दोगे ना फिर तेरे को मना करके फिर चंद्रावली के पास में चले जाएंगे, इसलिए खबरदार मान कभी छोड़ना नहीं, एकदम मान को पक्की करके रखो। इसलिए जो ललिता सखी ये राधा कृष्ण दोनों को प्रेम की शिक्षा देने वाले, और कृष्ण को भी डांटने वाले, और श्री किशोर जी को भी डांटने वाले कौन है, कहती है ललिता सखी है। और इनकी गाने में विशेष करके तीन सखियां हैं, विशेषकर आठ सखियां हैं, लेकिन विशेष करके इनकी जो गण में श्री रूपमंजरी ये ललिता की अनुगत्य में सरकार की सेवा करने वाले ये तीनों सखियां, इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ललिता सखी रा बोलो अयोध्या की विनोद धारी छे पाए ललिता सखी रा अयोध्या की तारी ठाकुर कमल मंजरी कहते हम कौन है, बोले ललिता सखी की हम अयोध्या किंकरी है, इसलिए हमारे गुरुदेव क्या करेंगे हमें लेकर के परम गुरुदेव के पास में पहुंचाएंगे, परम गुरुदेव क्या करेंगे उनके गुरुजी प्रभुपाद के पास में पहुंचाएंगे, प्रभुपाद लेकर क्या करेंगे उनको गुरुजी, फिर उनको गुरुजी लेकर कहां पर पहुंचाएंगे श्री रूप मंजरी को पास में पहुंचाएंगे, फिर रूप मंजरी कहां पर ले जाएंगे बोलो ये ललिता के पास में ले जाएंगे, फिर यही ललिता ही हमें लेकर के जुगल सेवा की अधिकार ये ललिता सखी हमें प्रदान करेगी। इसलिए ललिता की बगैर राधा कृष्ण की सेवा को कोई भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ये ललिता की इतनी ताकत है, इसलिए हम लोग
ऊंचा गांव में आए हैं, ललिता की प्रेम जैसे सर्वश्रेष्ठ सखी, उसका गांव का नाम भी ऊंचा गांव। इसलिए ललिता सखी हम सबको परम कृपा करे, एक दिन हम अपना गुरु जी के अनुगत्य में परंपरा में धीरे धीरे श्री ललिता के गण में गणित होकर के एक दिन श्री जुगल सेवा की हमें अधिकार प्राप्त हो। हम यही बोल करके अपना भक्त को समाप्त करता हूँ। वंशा कल कृपा सिंधु भाई बच्चा पतितानंग पावने भो वैष्णवे भो नम नम बोले श्री ललिता सखी की। अभी हम लोग जाएंगे देह कुंड में, जहाँ पर श्री राधा रानी हैं, जो ब्राह्मण था राधा रानी के भोजन में उन्होंने सुवर्ण प्रदान किया था, और देह कुंड में आचमन करके एकदम सीधा सीधा आंख बंद करके, देखो यहाँ पर और जहाँ पर ललिता के साथ में कृष्ण का जो विवाह हुआ है, यहाँ विवाह मंडप है जहाँ पर ललिता के साथ में कृष्ण ने शादी किया था अलिता पहाड़ी, उसको दर्शन करके आप लोग गाड़ी में बैठ जाना। फिर क्यों आज दोपहर का प्रसाद मंदिर में, पहले हम कहाँ जाएंगे, कहाँ पहले क्या पढ़ना है, संकेत, इसलिए संकेत, उसके बाद में प्रेम सरोवर है। केवल हम लोग वहाँ पर कथा नहीं सुनेंगे, केवल वहाँ प्रणाम करते हुए पर जल्दी जल्दी चले जाएंगे, शाम को मंदिर में सारी कथा सुनेंगे। ठीक है, बोले श्री ललिता सखी की, बोले श्री गुरुपाद पद्म की, पिता गौर प्रेमानंदे ब्रजवासियों ने रोटी लाए, रोटी का टुकड़ा पकड़ो, दो चार सब सबके एक को बांटो, खाने के लिए नहीं दे रहा, बांटने के लिए बांटो सबके, सबको बांटो, सबको बांटो, सबको बांटो, रोहिणी रोहिणी सबको सब बांटो, सब बांटो, बांटो, खाना नहीं दो, सबको दे दो, मैडम दीगा महाराज जी तो अर्ज सेवा करा, हमारे तो गुरु जी है, और का हरे कृष्णा, जिसको दर्शन हो चुके हैं प्रिपेयर थोड़ा सा हरि बोल श्री राधे 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 बाबा, थोड़ा बताइए कौन सा चलो प्रभु अब दर्शन कर रहे ललिता जी राधा रानी और ठाकुर जी, राधा ललिता बिहार जी का दर्शन कर रहे हैं, यहाँ का जो सेवक है दर्शन करवाया, और यहाँ आना चाहिए तो जरूर प्रणाम ही देना चाहिए, दीजिए प्रणाम। ए भगवान तू देखो क्या कहूंगा, हां बेटा एक सेकंड ले हां याद आ गया, जल्दी दवा दो, दो चम्मच लगी है।
दर्शन कराने हैं ढंग से, हो ही नहीं रहे। बोलो श्री ललिता सखी की जय, श्री राधा कृष्ण युगल सरकार की जय। हमारे बड़द के दीदी है और मेरे बने में नहीं, ललिता दीदी। अच्छा ललिता दीदी, ये ऊंचा गांव देखो, ये जमीन में भी ऊंचा है और सखियों में भी ऊंची, इसलिए ललिता देवी शरण में हम आए हैं उनकी कृपा लेने के लिए। हम लोग जो है ललिता के वन हैं, इसलिए हमारे भक्तों में ठाकुर रहते हैं ललिता देवी अजब करी विनोद धरी से। ललिता दी की असीम कृपा है, उनका कृपा बने रहे। और ललिता सखी के गण में और रूप मंजरी के अनुगत्य में, हाँ अनुगत्य में, अनुगत्य में हमें सेवा हाँ, सेवा कर। हरि बोल, हरि बोल। आप लोगों की कृपा है ना, गौ सेवा कर दो, गौ सेवा बने अपनी जो भी प्रभु जी मंदिर सेवा, हमारे खुद ही गो है। अभी हम कौन से कुंड पे जा रहे हैं महाराज जी? देह कुंड। देह कुंड में क्या हुआ था? देह कुंड में यहाँ पर एक ब्राह्मण थे, ब्राह्मण दान मांगा था कृष्ण को, बोले कुछ दान दे दो, मैं ब्राह्मण हूँ, तो बोले दान क्या दे, तो ये है जो ये राधा रानी है इसको ही ले दो। दान अच्छा। क्यों मांग रहे हैं उनकी अपनी बेटी के शादी देने के लिए? अच्छा। तो राधा रानी को जब दान में दिया तो बेटी हो गई, तो वो बोलते अरे भाई मैं एक बेटी के शादी नहीं कर पा रहा हूँ और दूसरी बेटी दे दी। तो फिर भगवान ने तो वसन दे दी, भगवान ने तो वसन दे दी, तो क्या कर कृष्ण राधा रानी के बराबर जो है तोला में जो है सोना दान के। अच्छा अच्छा, इसीलिए देह कुंड बना। बहुत सुंदर, ये एक एक जगह की जो कथा है ना, समय नहीं है, बाकी आप लोग श्रवण करते रहिए और ठाकुर जी कृपा से गुरु वैष्णव का संग मिलता रहे, इससे बड़ी खजाना दुनिया में कुछ नहीं। बहुत सुंदर हरि कथा सुनाई है, हमारे महाराज जी हैं ये जनकपुरी मठ में रहते हैं, बहुत सुंदर हरि कथा करते हैं। अरे ये हमारे गुरु बहन है, सब भाई बहन है, गुरु की कृपा आप लोग का आशीर्वाद, इनकी कृपा से ही हमें शुद्ध भक्ति लाभ हुई है। जय हो, जय गौर प्रेमानंदे हरि। हमारी अपनी गाड़ी घायल है। अच्छा अच्छा, उनकी गाड़ी भी पूजा पूजा अभी नहीं है ऐसा कोई, हम दक्षिणा दिया है। देखते रहिए।
बोलो श्री देहे कुंड की जय। आप सभी लोग जो लाइव देख रहे हैं, ये हम आपको दर्शन करा रहे हैं देहे कुंड का। देहे कुंड पे गुरुदेव जी ने प्रसाद बांटा है, हम सबको मिला है। मैं भी आ रही हूँ। आज हम लोग अभी अभी देवकुंड में पहुँचे हैं, देवचा गांव के अंतर्गत। आज हमें परिक्रमा करते करते वर्षा नाव होकर पोखर होकर दलित स्थानों को हम यहीं तक आए हैं। एक बार कृष्ण राधा के साथ यहाँ पे बैठे थे, तो एक ब्राह्मण आकर के कृष्ण के पास जाकर के भिक्षा मांगा, कौन सी भिक्षा चाहिए। तब मेरी एक बेटी है, मैं तो गरीब आदमी हूँ, शादी देने का कुछ है नहीं, तो कुछ सामान दीजिए। तो कृष्ण बोले मेरे पास तो कुछ है नहीं, राधा जी मेरा सर्वस्व है, तो उसको लेके जाओ। तो ब्राह्मण ने बोले मैंने एक बेटी को शादी देने के लिए क्षमता नहीं है, तो दूसरे बेटी को लेकर मैं क्या करूँ। बोले ठीक है, तुम ब्राह्मण हो और असली जो वस्तु है उसको तुम समझ नहीं पा रहे हो, आपको पहचान नहीं पाओगे। ठीक है, उनका वजन का जो समान वजन का सोने का मुद्रा है उसको लेके जाओ। तो सब ब्राह्मण को तुला में राधा जी के बिठा करके और दूसरा तराजू में सोने का मुद्रा दिया था। तो उसका समान वजन का सोने का मुद्रा लेकर के ब्राह्मण अपने बेटी के शादी दिया है। देहो कुंड मतलब दान, जिस कुंड में कुंड के तट पर राधा जी के समान दान कृष्ण ने ब्राह्मण को दिया था। तो लेकिन हम लोग भगवान को क्या देंगे, तन मन सर्वस्व गुरु जी के चरण में समर्पित करते हुए राधा कृष्ण की सेवा करना ही सेवा राधा कृष्ण की सेवा करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। इसी से हमारा सिद्धि मिलेगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अभी हम लोग अलता भाजी जाएंगे, वो अलता भाजी दर्शन करके जो शादी का स्थली है अलता भाजी भी जाएंगे दर्शन करके। हरि प्रभु हरे कृष्ण। सबके सब, सबके सब जाकर गाड़ी में बैठो, कोई लेट मत करो। ये स्थान का नाम देहकुंड है। देहकुंड मतलब होता है यहीं पर हम वहाँ कथा सुन रहे थे ना, जो श्रीमती राधा रानी को ब्राह्मण ने कृष्ण के पास में आए, बोले हमें दान चाहिए। बोले क्या, घर में एक बेटी है, बेटी को ब्याह देने के लिए कोई पैसा नहीं। बोले सबसे प्यारा चीज देनी चाहिए। बोले मेरे को सबसे प्यारा श्रीमती किशोरी राधा रानी। ऐसे राधा रानी को तो बोले एक बेटी है, उसको शादी नहीं दे पा रहा हूँ। बोले और एक बेटी, दो बेटी हो जाएगा तो कितना पैसा लगेगा। तब गुरुदेव कहते थे ब्राह्मण लोग तो राधा रानी कौन है, सर्व लक्ष्मी मई, अगर राधा रानी आ गए तो सारे लक्ष्मी तो आ जाएगी। लेकिन ये ब्राह्मण लोग राधा रानी को नहीं चाहते, किसका चाहते पैसा चाहिए। इसलिए कृष्ण ने क्या किया, उन्होंने एक तरफ में श्री राधा रानी को बैठाया, दूसरे तरफ में राधा रानी की बराबर की सोना उन्होंने यहाँ के ब्राह्मण को दान किया था, उनको देह दान किया था। इसलिए ये कुंड का नाम देह कुंड बा देह बिहारी निताई गौर ब्रह्मानंद। अरे बोल, सब गाड़ी में बैठो भाई। अरे मैं कहाँ है तुम्हारे, मैं आज आज हम लोग कहाँ भी जाएंगे ना, नहीं गाड़ी में ना, तो हम बस में चल रहे। देखो कहाँ है, मिलाओ मिलाओ। दुखी कर दिया क्यों, तुमने हमें दुखी कर दिया।